द इंटरनेट रेवोल्यूशन हैज़ बिगन। यहाँ पर जो है वाईफाई कनेक्शन लगवाया जा रहा है BSNL का। जहाँ हम रहते हैं वहाँ केवल जो है BSNL का वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध है, तो हम आज लगवा रहे हैं। भैया लोग आए हैं, मैंने क्वेरीज छोड़ी थी वेबसाइट पर, तो BSNL का जो वाईफाई वाला कनेक्शन है वो लगा रहे हैं हम। और अब ज़्यादा तेज़ी से जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा स्ट्रीम कर सकते हैं, चूँकि बूस्टर ले लेके जो है परेशान हो गए थे। 2 से 3 जो हैं यूज़र्स हैं, और दोनों को जो है मैं मेरी वाइफ सबको जो है बूस्टर लगते थे, बूस्टर से काम चल नहीं रहा था, तो सोचा कोई इकोनॉमिकल जो है वाईफाई लगवाया जाए, तो हमने चुना BSNL का। और चुना भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना जियो फाइबर उपलब्ध है और ना ही एयरटेल का फाइबर उपलब्ध है, तो हमने लगवा रहे हैं BSNL का वाईफाई। और हमारे केशव भी जो हैं खुश हैं इस बात से। केशव कह रहे थे कि हमको पासवर्ड दे देना ताकि हम भी जो हैं रील्स वगैरह और शॉर्ट्स वीडियो जो हैं यूट्यूब पर देख सकें वाईफाई की मदद से। तो फिलहाल काम जारी है। केबल का एक बड़ा सा बंडल यहाँ पर आया हुआ है जो केबल है, और आसपास इनके कनेक्शन होते हैं। ये टावर है, ये जो है एक्सचेंज जिसे ये लोग कहते हैं, तो एक्सचेंज ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से, तो 50 मीटर 60 मीटर की डिस्टेंस पर एक्सचेंज है। और जितने लोग कनेक्शन लिए रहते हैं तो उसी कनेक्शन को जो है एक्स्ट्रा केबल लगा के जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नीचे एक भैया हैं जो सामने खंभे पर ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, वही जो है BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, जो का कहते हैं ब्रॉडबैंड नहीं मतलब वाईफाई BSNL फाइबर या भारत फाइबर का जो है एक्सचेंज बॉक्स है, उसी से जो है कनेक्शन डाला जाएगा। तो एक भैया ने वहाँ खम्भे पर कनेक्शन कर दिया है, खम्भे पर जो है JC है, वहाँ टावर में जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज टू JC, फिर JC टू राउटर जो है ये फिजिकल लेयर पर काम करेगा। हमारा जो है वाईफाई लीड अंदर आ चुकी है, अब लीड को जो है ये केबल जो है हम अंदर ले आए हैं, फिर अब इसमें जो है हमारा राउटर लगेगा। जॉइंटर बॉक्स। इसके बाद एक राउटर भी लगा, राउटर अलग वो भी लाया हो गया। अच्छा, जॉइंटर में मात्र तार ज्वाइंट किया जाता है, ये जॉइंटर है। हमें भी हो गए एक साथ। बड़ी बारीक मशीनरी है यार, ये का मशीन नहीं लगा रहे था। और भी जो लगते हैं उनमें भी यही सब होता होगा, प्रक्रिया यही होगी, बस नाम अलग होगा कंपनी। जैसे ये वाली मशीन है ना, ये अपन ऐसे में चला सकते हैं, बॉर्डर पे रुक नहीं। अच्छा, हाँ समझ गए। जैसे समुद्र के अंदर चलती है तो वाटर फिल्म रहती है। हाँ, जहाँ वहाँ देना होता है नीचे। काजी फाइबर है, सब समुद्र के अंदर से आ रहे हैं। फाइबर। देखो जी बता रही है, सही कटी। सही कटी है। एक नंबर का इसमें वो है तकनीक। अच्छा, अंदर ही के अंदर जुड़ गई। हाँ समझ गए। ये तो स्कैनर मशीन हो रही। गजब। फाइनली जो है हमारा ब्रॉडबैंड वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। ये यहाँ बिजली से कनेक्ट हो रही है, ऊपर जो है राउटर से कनेक्ट है। इसको बाद में व्यवस्थित कर देंगे। अब यहाँ पर जो है SB स्टूडियो के पास जो है तेज स्पीड आएगी, आपको बेहतर कंटेंट बेहतर क्वालिटी में हम प्रोवाइड कर पाएंगे, इसलिए इंटरनेट जो है हमने घर पर लगवाया है। दूर दराज वाले ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर जियो और एयरटेल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां आप BSNL का जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, उम्दा है, स्पीड अच्छी है। और जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास ही जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक्सचेंज लगा हुआ है, टावर है, टावर लगे होने की वजह से स्पीड यहाँ पर अच्छी आएगी। तो
इंजॉय करते हैं वाईफाई की स्पीड को, और आप इंजॉय करिएगा इस ब्लॉग को। जय हिंद जय भारत।